dear students now we are going to discuss case study basically there are two types of case study first type is open ended case study in case of open ended case study there are not any answers or questions at the end of the case study it is straightforward open case study you have to study the case and after studying the case you have to give it solution this is known as open ended case study now i am going to talk about closed ended case study Close ended case study means here we have a case study at the end of the case study there will be some questions and you can get answer of those questions with the help of case study this is known as closed ended case study now i am going to discuss with you a case study and here this case study is the open ended case study here i will discuss three things introduction of the case study background of the case study and at the end i will discuss with you the solutions of the case study what are the possible solutions here we would like to start zhong long -zong factory explosion accident was at 7 a.m on august 24th 2nd 2014 2nd august doha chodakosat bajayeshamko yidu organization account जोंग रोंग फैक्ट्री में एक धमाका हुआ जिसकी वजह से अ सीरियस डस्ट एक्सप्लोजन अकर्ट इन दार व्हील्स पॉलिशिंग सेकंड वर्कशॉप ऑफ जोंगरोंग मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड इन कन्शैन सिटी जानसगू प्रोविंस चाइना चाइना के एक सूबे की एक स्टेट के अंदर एक सिटी में एक्सीडेंट होता है वहाँ पर बहुत सीरियस किस्म का एक्सीडेंट होता है और ये एक्सीडेंट रूनवा हुआ सेकेंड अगस्त 2014 को सेवन एम सुबह के सात बजे अब इसको हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या नुकसान हुआ कितने लोग वहाँ पे जहाँ हो गए इसकी रीज़न क्या थी ऐसा क्यों हुआ इसकी बैकग्राउंड क्या है इस ऐसा होने की वजूहत क्या हैं और इसके बाद हम इसका पॉसिबल सोल्यूशन भी रिकमेंड करेंगे देर वर आलमोस्ट टू हंड्रेड सिक्सटी फोर पीपल इन दर्कशॉप एट दैट टाइम उस वक़्त जब वहाँ पे ये इंसिडेंट पेश आया या ये एक्सीडेंट हुआ धमाका हुआ वहाँ पे उस वक़्त दो सौ चौसठ एम्प्लाईज़ वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे एंड सेवेंटी फाइव पीपल वर केल्ड ऑन द डे ऑफ एक्सीडेंट जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ सेकेंड अगस्त दो हज़ार चौदह को इस एक्सीडेंट के नतीजे में सेवेंटी फाइव जो लोग थे वो वहाँ पर जाँ बहक हो गए एज ऑफ दिसंबर थर्टी तीस दिसंबर को वन फोटी सिक्स पीपल वार किल्ड एक सौ छियालीस लोग फौत हो गए एंड आलमोस्ट वन एटीन पीपल वार इंजर्ड और आलमोस्ट तकरीबन एक सौ अठारह लोग वहाँ पर जख्मी हुए ये अलग इंसीडेंट है जो पहला इंसीडेंट है उसमें दो सौ चौंसठ लोग वर्कशॉप में मौजूद थे जिसके अंदर से पचहत्तर लोग वहाँ पर मौके पर पा गए और ये बात है सेकेंड अगस्त दो हज़ार चौदह के उसके बाद तीस दिसंबर को क्या होता है कि एक सौ छियालीस लोग मारे जाते हैं और एक सौ अठारह लोग जख्मी हो जाते हैं अब इसको हम लोग फर्दर देखते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है यूनाइट्स इंसिडेंट्स कॉन्शन सिटी एंड मेटल प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड वाज फाउंडेड इन 1998 ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली जो प्रोडक्ट्स सिटी एंड मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड है ये 1998 को अस्टैब्लिश होती है चाइना में ताइवान फंडेड एंटरप्राइज ताइवान ने इसको सपोर्ट किया जिसके नतीजे में ये आर्गनाइजेशन इस्टेबलिश होती है द मेन प्रोडक्शन अलक्ट्रोप्लेटिंग ओलाइज व्हील्स इज द यूनाइटेड स्टेट्स जनरल मोटर डेजिगनेटेड सप्लायर यूनाइटेड मोटर डेजिग्टेड इसके सप्लायर थे जो इसको सप्लाई देते थे अपनी प्रोडक्ट्स की या उसके हवाले से जो प्रोडक्ट्स भी रिक्वायर्ड होती थी व्हील के मुतल व्हील कप के मुतल व्हील के फसल जो प्रोसेस प्रोडक्शन यूज़ होती हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं मटीरियल यूज़ होता है इन सब की प्रोडक्शन हम वहाँ से ले रहे थे प्लांट्स एरिया ऑफ फिफ्टी थाउजेंड मीटर इसका जो टोटल प्लांट एरिया था वो पचास हज़ार स्क्वायर मीटर के ऊपर मुहित था अ टोटल ऑफ अबाउट फोर फिफ्टी एम्प्लॉज जिसमें उस वक्त जब ये इंसिडेंट होता है तो उस वक्त वहाँ पे चार सौ पचास एम्प्लॉज मौजूद थे ये लिटिल बिट इसकी बैकग्राउंड है इसमें मैंने दो तीन चीज़ें बयान करने की डी स्टूडेंट्स कोशिश की है ये ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेबलिश होती है और नंबर टू ये आर्गनाइजेशन कहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स लेती है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका प्लान कितने एरिया पे कवर्ड है और नंबर फोर लास्ट पॉइंट इसके हवाले से टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉज़ कितने हैं मैं आपको एक रिव्यू के लिए आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली नाइनटीन में इस्टेबल होती है और ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स जनरल मोटर डेजिग्नेटेड सप्लायर से चीज़ें लेती है और जनरल मोटर्स डेजिग्नेटेड सप्लायर के बाद जो इसका प्लांट कवर्ड एरिया है वो 50,000 थाउजेंड स्क्वायर मीटर पे मोहित है और उस दिन वहाँ पे टोटल 450 सौ पचास मौजूद थे एक्सीडेंट बैकग्राउंड शॉर्टली मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ शॉर्टली बिफोर द एक्सीडेंट एक्सीडेंट से बिल्कुल थोड़ी देर पहले द स्टार्टअप टाइम ऑफ द इंसिडेंट वर्कशॉप वाज एडवांस्ड फ्राम एट एम टू सेवन पी एम आठ बजे सुबह से लेकर शाम के सात बजे तक ये रिपोर्टिंग टाइम है एंड वर्कर्स इन आर ओ ये मैटर है कि ग्यारह घंटे वहां पर वर्कर डेली काम करते थे वर्कशॉप है बहुत ज्यादा मकदार में डस्ट मौजूद थे डस्ट रिमूवल इक्विपमेंट्स ओनली हैज बिलोअर लैक्सप्रे डो स्पेशल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डस्ट रिमूवल आई गैस दिस में बी द मेजर रीजन ऑफ दिस इंसीडेंट और एक्सीडेंट तीन चीजें यहां मैंने आपके लिए डी ए स्टूडेंट बयान की हैं नंबर वन एयर ब्लो मौजूद नहीं है लैक ऑफ स्प्रे डस्ट रिमूवल एक मौजूद नहीं है नो स्पेशल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डस्ट रिमूवल वहाँ मौजूद नहीं है वो खास बंदा यहां पर स्पेशल पर्सन का मतलब डिसबल पर्सन नहीं है यहाँ पर स्पेशल पर्सन का मतलब है किसन डेजिग्नेटेड हेयर टू रिमूव द डस्ट विद इन दर्गनाइजेशन यहाँ इसका ये मानिया अब ये तीन चीज़ें हमें नोटिस में आ गई इट इज़ ओनली वेन द मन्स आर नॉट वेरी बिजी दैट दर्कर आर अलाउड टू क्लीन द एयर डक्ट जब काम में बहुत ज़्यादा रश नहीं होता तो उस वक्त वर्कर की ये ड्यूटी लगाई जाती थी कि आप लोअर को ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन के हवाले से प्लांट को इन चीज़ों को नीट एंड क्लिन करें लेकिन ये भी देखा गया है कि रूटीन में वो लोग इसको नीट एंड क्लीन नहीं कर रहे थे इन एडिशन इसके अलावा एक्सीडेंट को इन साइड विद वीकेंड एक्सीडेंट वीक डेज में नहीं होता वीकेंड सैटरडे संडे ड्यू टू द डबल पे ओवर टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेश नॉर्मली इट हैपन इन द यूनाइटेड स्टेट्स अगर आप लोग वीकेंड पे काम कर रहे हैं सैटरडे संडे अगर आपको फाइव डॉलर एक घंटे की लेबर दी जा रही है वेजेस दी जा रही है वही काम अगर आप वीकेंड पे करेंगे सैटरडे संडे को तो एक घंटे का आपको माइट पॉसिबल टेन डॉलर दिए जाएं तो इसलिए ज्यादा लोगों का प्लान होता है कि वीकेंड पे वो ड्यूटी परफार्म करें सो हाई कॉजैलिटीज मोर ओवर द सिटी वर्क सेफ्टी रेगुलेटर सेड इट हैड रिपीटेडली वॉर्न द फैक्ट्री जो उस शहर के लोग थे जो उसको डील कर रहे थे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थी उन्होंने ये कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कई दफ़ा रिपीटडली हम वार्निंग दे चुके थे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में डस्ट के हवाले से कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं फर्दर सम एक्सप्लोजन बट इट वाज इग्नोर्ड दिस इज द पंच लाइन ऑर्गेनाइजेशंस को वो कह रही हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सप्लोजन होने के चांसेस हैं डस्ट है रिमूव करे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है कंप्लेन आ रही है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम को मुकम्मल इग्नोर कर दिया फर्दर मोर द एम्प्लॉज रिपोर्टेड द पोल्यूशन प्रॉब्लम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद इन द आर्गेनाइजेशन इम्प्लाई भी क्लेम कर रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं क्या रिपोर्टेड दैट पोल्यूशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन बट द फैक्ट्री हैज़ बिन इग्नोरिंग एम्प्लॉ ने कंप्लेन किया कि फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा पोलूशन है प्रॉब्लम है लेकिन फैक्ट्री ऑनर ने या फैक्ट्री मैनेजमेंट ने उसको इग्नोर किया और बाकायदगी से इग्नोर कर रहे थे माइट पॉसिबल दीज थिंग में बिकम द रीजन ऑफ दिस वियर एक्सीडेंट नो कम टू द पॉइंट सोल्यूशन एंड अवेल्यूशन ऑफ कंशन एक्सप्लोजन अभी हमने देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या है ये जो इंसिडेंट हुआ और नंबर टू इसको अवेलुएट करना है क्या ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन में यह लॉस हो सकता है नो नो ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू डू दिस अगेन इन दर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन थी कि ऑर्गेनाइजेशन में काम ठीक हो और एक्चुअल उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक होनी चाहिए ताकि किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी ना हो ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती है लेकिन यहाँ क्या हुआ है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये चीज़ टैकल नहीं हो सकी अब हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है इसके स्टडी का और इस ऑर्गेनाइजेशन का सोलूशन क्या है नंबर वन आई हैव हैवेस्ट डी स्टूडेंट्स फॉर यू पीपल वट ऑर्गेनाइजेशन शुड डू हेयर इन दिस केस पर्टिकुलर नंबर वन इम्प्रूविंग दर्किंग एनवायरमेंट डस्ट एक फैक्टर नहीं है इंप्लाइज वर क्लेमिंग आउटसाइडर वर क्लेमिंग सिटी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप दे वर क्लेमिंग एम्प्लाइज वर ऑलरेडी सीन वट इज गोइंग टू हैपन इन यर फ्यूचर अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सी ई ओ इनको चाहिए कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एन्वायरमेंट ठीक करें वो एनवायरमेंट यहाँ पे इम्प्लाईज़ ने काम करना है मूव करना है स्टे करना है ग्यारह घंटे चौबीस घंटों में से गुजारने हैं अगर डबल शिफ्ट है नो प्रॉब्लम प्लांट्स को डबल कैपेसिटी पे हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी पे चलाया जा सकता है बट विद द कंडीशन इट मस्ट फॉलो ऑल द एस ओ पीज विच आर सेट बाई द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सेट किए हुए हैं हेल्थ एंड सेफ्टी का रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए हम उनको ओबे करेंगे नंबर टू अवॉइड वर्किंग ओवर टाइम हर काम को ओवर टाइम में ना लेके जाए ओवर टाइम बिल्कुल होना चाहिए लेकिन उस वक़्त जब आपने ऑर्डर मंडे को डिलीवर करना है ऑर्डर आपको मिलता है फ्राइडे को सैटरडे संडे का टाइम है देन यू कैन गो विद द ऑप्शन ऑफ ओवर टाइम हर काम को ओवर टाइम पर डालेंगे तो माइट पॉसिबल दिस में क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द एम्प्लॉज अब एक एम्प्लॉय पूरा वीक काम कर रहा है और सैटरडे संडे को भी काम कर रहा है हाउ यू कैन एक्सपेक्ट ही अल शी इज डूइंग बेटर जॉब फॉर द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नो ही इज नॉट डूइंग गुड वर्क ही अल शी मस्ट टेक रेस्ट फॉर वन और टू डेज एट लीस्ट विद इन सेवन डेज यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉय पाँच दिन काम कर रहा है डबल पे के लालच में वो सैटरडे संडे को भी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं है डस्ट है मड है पोल्यूशन है आर्गनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम पैदा होती है वहाँ पर और इम्प्लाई वहाँ पर वफाद पा जाते हैं अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि ओवर टाइम बिल्कुल होना चाहिए लेकिन उस केस में जहाँ पर ओवर टाइम के बगैर ऑर्गेनाइजेशन का काम ना चल सके एंड लास्ट वन यूजिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ठीक है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रॉब्लम आ गई वहाँ पर डस्ट आ गई ओवर टाइम भी मिल रहा था चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी इग्नोर चीज़ें की गई क्या ऑल एम्प्लॉइज वियर्ड देयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है आंसर इज नो अगर इम्प्लॉज ने मास्क पहने होते अगर इम्प्लॉयज़ ने आई ग्लासेस पहनी होती अगर इम्प्लॉयज़ ने प्रोडक्टिव ऑक्सीजन चीजें ली मास्क पहनी होती और जो सेफ्टी जैकेट्स हैं वो पहनी होती डू यू थिंक इस तरह लॉस उनका हो सकता था देर वर चांसेस देर मे बी लेस अमाउंट ऑफ हेयर लेस अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज में आका यहाँ पे कम इकदार में लॉस हो सकता था तो ये थर्ड पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आर्गनाइजेशन में आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अप्लाई हों तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्लाइज मस्ट वी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो भी आप काम करें उसके लिए जब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो काम आर्गेनाइजेशन की फेवर में होगा इंप्लाइज़ की फेवर में होगा मैनेजमेंट की फेवर में होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें इंप्लाइज की जान जाने के चांसेस बहुत कम हैं थैंक यू सो मच